दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने में जुटी योगी सरकार रोज नए नए आयाम लिख रही है। जमीनी स्तर पर उसने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। जुलाई माह में 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का तोहफा जनता को देने जा रही है। यूपी के इतिहास में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये नए मेडिकल कॉलेजेस देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर में बनकर तैयार हो चुके हैं। सीएम योगी का मानना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 12 मेडिकल कॉलेजेस ही हुआ करते थे। सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों के बाद स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस शुरू करने का फैसला किया था। बिल्डिंग बनाने, जरूरी मशीन, डॉक्टर्स और कर्मचारियों की नियुक्ति पर अरबों रुपए खर्च होने का अनुमान था। तब योगी सरकार ने कुछ जगहों पर जिला अस्पताल को ही अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज बनाना तय किया। कोरोना की दूसरी लहर ये बताने के लिए काफी थी कि मेडिकल व्यवस्था फूल प्रूफ होनी चाहिए। योगी ने मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण में तेजी लाने को कहा और अब 9 नए मेडिकल कॉलेजेस एक साथ बनकर तैयार हैं। योगी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़कर 48 हो चुकी है। प्रदेश में 13 और मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण का काम तेज गति से किया जा रहा है। सरकार नए मेडिकल कॉलेजेस में 70% फैकल्टी का चयन भी कर चुकी है। इस माह जुलाई में प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने के बाद प्रदेश की जनता को चिकित्सा सुविधाएं मिलना और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। इन कॉलेजेस में 450 से अधिक संकाय सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैकल्टी में किए जाने वाली चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए हैं। मेरिट के आधार पर अच्छे शिक्षकों का चयन करने को कहा गया है। उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी इन मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स और कर्मचारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देंगे। कोशिश ये है कि अगले एक हफ्ते में इन अस्पतालों में कामकाज शुरू हो जाए। इस साल के आखिर तक 13 और मेडिकल कॉलेजेस हर हाल में शुरू करने की योजना है। अयोध्या, बहराइच, बस्ती, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में जिला अस्पतालों को ही बेहतर कर मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झांसी, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर और आगरा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बनाए गए हैं। लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर आत्मनिर्भर बन रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रदेश में कार्य किए जा रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 441 ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना की जा रही है। इनमें से लगातार प्रयासों से अब 131 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश में कुल 3500 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 1475 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 399 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो चुके हैं। 5424 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी संचालित हैं। यूपी में 6 नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स की स्थापना और गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की स्थापना के साथ ओपीडी प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।